हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज आपके साथ बात करना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों वोडाफोन आइडिया में बम्पर धमाकेदार न्यूज निकल करके आ रही है, उसी के चलते यहाँ पे लास्ट के हवर की बात करें, यहाँ पे मैं गूगल पे जाके लेके बताना चाहूंगा स्पेशली वो चीज लास्ट हवर की बात, मतलब कि 3 बजे के बाद, लास्ट आधे घंटे की ही बात करेंगे। दोस्तों बढ़िया तेजी, एकदम स्पाइक निकल करके आया था, स्पाइक के पीछे बहुत धमाकेदार न्यूज निकल करके आई है। तो मुझे लगता है ये जो स्पाइक है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, मंडे को यहाँ पे स्पाइक पूरा हो सकता है। मंडे को तेजी मुझे लगता है आना बिल्कुल तय दिखाई दे रहा है। न्यूज दो ऐसी आई रही है, उसमें से एक न्यूज तो अपने आप में बहुत 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 बढ़िया निकल करके आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करके बताना चाहूँगा और दोनों न्यूज़ है उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या लेवल और टारगेट भी आ सकते हैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ आप पूरा पूरा बने रहे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। यहाँ पे हम सबसे पहले हम चलेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कारोबार की क्या डिटेल निकल करके आई थी आज वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो धमाकेदार दोनों न्यूज को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा दोस्तों बने रहे। दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो 8.80 रुपये पे क्लोजिंग, 45 पैसे ऊपर 5.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें दोस्तों 8.35 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। ओपन होता है थोड़ा नीचे 8.10 रुपये पर। दोस्तों मैंने कल बताया था कि यहाँ पे तेजी आ सकती है, उसके बाद बढ़िया तेजी, बढ़िया स्विंग देखने को मिला। 8.95 रुपये के आसपास से हाई बनाता है, लो 8 रुपये का बनाता है, 8 रुपये को बिल्कुल भी तोड़ता नहीं है। फाइनली एडजस्ट क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो हाई के आसपास हुई है 8.75 रुपये पे। तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ यहाँ पे टारगेट हमारे अचीव हुए, दोनों साइड दो दो टारगेट अचीव हुए। तो मुझे लगता है आज जो कल आज जिस किसी ने भी कल का वीडियो देख के ट्रेडिंग करी होगी वो अपने आप में बम्पर पैसा बनाने में कामयाब हुआ होगा। वॉल्यूम में भी बहुत बड़ी स्पाइक यहाँ पे देखने को मिली है। वॉल्यूम अब देखो 41.75 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 7.97 करोड़ शेयर की डिलीवरी, डिलीवरेबल परसेंट देखें 19.11 है, मतलब कि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी डिसेंट है और वॉल्यूम बहुत बढ़िया तगड़ा निकल करके आया था। अभी हम चलेंगे वो न्यूज़ पे, न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो न्यूज़ है। एक तो जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसों का पूरा पूरा बंदोबस्त यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कर लिया है, जो AGR का ड्यू 9% पे करना है उसके ऊपर। और उसके बाद जो टेरिफ हाइक के ऊपर भी यहाँ पे समस्या जताई जा रही थी उसके ऊपर भी बढ़िया खबर निकल करके आ रही है। दोनों धमाकेदार खबरों के चलते मंडे को रॉकेट बनना बिल्कुल तय है। तो यहाँ पे दोस्तों चलेंगे सीधा न्यूज पे, जो कि लाइव मिंट पे है, वो खबरों को डिस्कशन करेंगे। मैं दोस्तों आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर करके आपको बताना चाहूंगा, करंट प्राइस लेवल आर अनसस्टेनेबल, वोडाफोन आइडिया CEO हिंट द टैरिफ हाइक। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे रविंद्र ठक्कर जी को आप पहचानते होंगे, जो कि वोडाफोन आइडिया के CEO हैं, उसने यहाँ पे टैरिफ हाइक जो बढ़ाने वाले हैं, जो कि एकदम तय माना जा रहा है, उसको बढ़ाने का हिंट दे दिया है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं पूरी न्यूज़ पर ना जाऊँगा, वोडाफोन इंडिया कुड बी द फर्स्ट अमंग द 3 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हाइक प्राइस ऑफ वॉइस एंड डाटा सर्विस, द कंपनी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रविंदर ठक्कर ऑन फ्राइडे सेड द टेलीकॉम विल नॉट शाय अवे फ्रॉम द राइजिंग प्राइस एंड विल सेट अ प्रेसेंट फॉर द अदर फॉलो। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया कि कंपनी यहाँ पे जो प्राइस हाइक करने वाले उसको बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं करेगी, वो प्राइस हाइक के लिए बिल्कुल जाने वाले हैं और इसके ऊपर यहाँ पे प्रोसेस भी चालू करने वाले हैं। द ठक्कर वो एड्रेस द एनालिस्ट एट द पोस्ट अर्निंग कॉल सेड द करंट प्राइस लेवल आर अनसस्टेनेबल, द इंडस्ट्री नीड टू हैव एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU ऑफ 200 इन शॉर्ट रन एंड 300 इवेंचुअली हेडेड। आपको पता होगा कल मैंने बताया था जब मैं Q2 का यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने पेश कर रहा था, तब आइडिया वोडाफोन का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था, जो 119 आया था, उसको यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म में 200 तक लाना चाहते हैं और लॉन्ग रन की बात करें तो 300 तक भी लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि टैरिफ हाइक बिल्कुल तय वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़िया बयान आ रहा है, हालांकि थोड़े कुछ दिनों पहले दो गोपाल विट्ठल है, जो कि भारतीय एयरटेल के भी CEO है, उसने भी यहाँ पे हिंट दी थी और उन्होंने भी बताया था कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे पूरी तरह से टैरिफ हाइक के ऊपर डिपेंड है, टैरिफ हाइक करना बिल्कुल जरूरी है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है 119 आया था, जो कि 114 था जून क्वार्टर में, तो अभी के क्वार्टर में यहाँ पे बढ़िया दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे मैं दूसरी न्यूज़ ये हो गई दोस्तों, पहली न्यूज़ जो कि आपके साथ डिस्कशन करी, इसी न्यूज़ में दूसरी न्यूज़ भी छुपी हुई है। तो इससे पहले यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ठक्कर ने और बोला है कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR ओवरहैंग इज लार्जली बिहाइंड द कंपनी एंड द टेलीकॉम विल नाउ फोकस ऑन इट्स स्ट्रेटेजी टू गेन कस्टमर माइंड सेट एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट फॉर द इंक्रीमेंटल सेविंग एज पर द सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर ऑर्डर। वोडाफोन आइडिया हैज ऑलरेडी पेड 10% ऑफ टोटल ड्यू एंड विल नॉट हैव एनुअल इंस्टॉलमेंट बिफोर 31 मार्च। तो दोस्तों यहाँ पे ठक्कर साहब ने बहुत बड़े बयान दिए हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कंपनी अब पूरी तरह से जो कस्टमर बेस है उसको बढ़ाने पे फोकस करेगी और यहाँ पे कॉस्ट सेविंग पे भी पूरा तरह से ध्यान दे रही है। और यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि 10% का जो ड्यू पे करना है मार्च 31, 2022 तक, वो यहाँ पे बिल्कुल वो पे करेंगे, और जो पहले जो 10% ऑलरेडी पे कर दिए उसी के चलते आगे कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो यहाँ पे है। तो जो मैं बता रहा था कि वोडाफोन इंडिया के जो 10% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के 5,500 करोड़ के आसपास निकल करके आ रहा है, जो कि 31 मार्च के पहले उसको पे करना है, तो उसका इंतजाम यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे पढ़े दोस्तों, टेलीकॉम पेरेंट्स वोडाफोन ग्रुप PLC इज एक्सपेक्ट टू गिव अनदर 6,400 करोड़ इन इंडेमनिटी एग्रीमेंट फॉर द AGR ड्यूज। तो वोडाफोन PLC जो कि वन ऑफ द प्रमोटर कंपनी है वोडाफोन आइडिया की, वो यहाँ पे 6,400 का फंडिंग उनको दे सकती है। तो ये अपने आप में जो कि स्पाइक मैंने अभी दिखाई इस चार्ट में, वो अपने आप में यही बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये फंडिंग लगभग लगभग तो ऑलमोस्ट तय ही है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर ये फंडिंग आ जाती है तो मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया फिर से रॉकेट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वोडाफोन आइडिया के जो प्रॉब्लम्स है कि 10% का AGR ड्यू कहाँ से वो पे करेंगे, वो यहाँ पे बिल्कुल रिजोल्व हो जाएगा। अभी हम चलेंगे चार्ट पे, चार्ट पे अगले वीक के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने वोडाफोन आइडिया का चार्ट खोल कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया ने, मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन तोड़ी, उसके बाद बढ़िया तेजी, फिर से यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी रहा, उसके बाद फिर से यहाँ पे तेजी अभी निकल करके तो आई है। तो अभी देखें, देखने वाली बात यह होगी कि तेजी कितनी सस्टेनेबल है, कहाँ तक वोडाफोन आइडिया भाग सकता है। इसके लिए मैं दोस्तों आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता था, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है। यहाँ पे आप देखो वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग 8.75 रुपये के आसपास। तो हाल फिलहाल में बात करें तो नीचे की तरफ बढ़िया सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 8.40 रुपये के आसपास, और ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 9 रुपये से लेके, मतलब कि 8.90 रुपये से लेके 9.15 रुपये के जोन है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता है 8.40 रुपये को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, अगर ये टूटा तो मुझे लगता है 8 रुपये के आसपास तो उससे भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसको तोड़ना हाल फिलहाल तो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ बात करेंगे दोस्तों 9.15 रुपये का जो लेवल है, अगर वो तोड़ के सस्टेन होता है तो ऊपर की तरफ मुझे लगता है आगे आने वाले वीक में यहाँ पे मुझे 9.50 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके ऊपर भी निकला तो 10.05 रुपये तक के भी लेवल अगले वीक में आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए, अपनी फर्दर स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लिया। और दोस्तों अगर आप मेरी तरफ से कोई एडिशनल हेल्प चाहते हो तो मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर जीरोधा में कोई अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप सैटरडे संडे आ रहा है तो आप अपनी पूरी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे मंडे पे कुछ पोजिशन बनाने की कोशिश करिए। हालांकि मैं इंट्राडे के ऊपर संडे को तो वीडियो पोस्ट कर ही दूंगा, जैसे कि मैं हर रोज करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।